पर p हो तो सिद्ध कीजिए कि p धन q पर शून्य है। सिद्ध क्या कर रहे हैं, p धन q पर बराबर शून्य, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें दिया है पीवा पद बराबर q। पीवा पद के लिए हमने फिर इसके पहले क्वेश्चन की तरह ही 19 क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। पीवा पद क्या हो गया, a धन p ऋण एक, और क्यूवा पद हो गया a धन q ऋण एक भी बराबर p। अब हम समीकरण ये एक ले लिया, ये दो ले लिया, समीकरण एक से दो को घटाएंगे, समीकरण एक से दो को घटाने पर ये लिख लेते हम a धन p ऋण एक d बराबर q और a धन q ऋण एक d बराबर p। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे तभी एक एक कट गया धन ए ऋण एक, यहाँ हो जाएगा p ऋण एक d ऋण q ऋण एक d। ये माइनस है, इस चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे, ये माइनस है तो माइनस लेंगे, इक्वल q माइनस p। ठीक है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ निकाला, ये आया p ऋण एक ऋण q माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू q माइनस p। माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया p माइनस q इक्वल q माइनस p। ठीक है, अब d का वैल्यू निकालना, तो d बराबर q माइनस p बटे p माइनस q, ये यहाँ पर आपका पक्षांतर हो गया। अब देखिए p माइनस q है, q माइनस p है और ये p माइनस q है, दोनों की साइन चेंज है, इसे हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम माइनस बाहर ले लेते हैं इधर से, तो ये हो जाता है प्लस q का माइनस q हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम उल्टा लिख देंगे p माइनस q। कभी भी देखेंगे जब एक संख्या यहाँ पर q माइनस p है और p माइनस q है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, तो आप इसमें से किसी भी एक में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो वह सेम नीचे की तरफ हो जाता है, और ये हो गया p माइनस q, ये और ये कट गया तो बचा माइनस वन, d का वैल्यू बचा हमारे पास माइनस वन, d बराबर माइनस वन। ठीक है, अब हम d का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो समीकरण एक से लिखते हैं a धन p ऋण a, d का मान है माइनस वन इज इक्वल टू q। सॉल्व कर लेते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, पहले साइन ले लेते हैं, a प्लस p माइनस वन इज इक्वल टू q। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को माइनस वन ऐसे नहीं लेना है, एक सेकेंड, ये माइनस वन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये माइनस वन डी हमेशा इसमें गुणा किया जाता है। अब क्या करेंगे, इसको ए को यही रहने देंगे और ये दोनों पक्षांतर, तो ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस वन, ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया डी का वैल्यू। अब हमको p प्लस क्यूवा पद निकालना है, तो p प्लस क्यूवा पद बराबर a धन p प्लस q। इसी तरह इसमें p की जगह पर p प्लस q रख देंगे, या जो हम n के साथ यूज करते हैं, nवा पद बराबर a धन n ऋण d, तो p धन क्यूवा पद बराबर a धन p धन q ऋण a d। ठीक है, a और d का मान रख दें, a का मान आया माइनस वन, d का मान आया माइनस वन, यहाँ पर d का मान माइनस वन रखेंगे, और a का मान है ये a ऋण a बराबर q धन p ऋण a, q धन p ऋण a। ठीक है, तो ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। अब इसे सॉल्व कर ले, पहले माइनस वन का गुणा इन तीनों में करेंगे, a धन p ऋण a वैसे ही उतार दिया, माइनस वन का p से गुणा किया तो माइनस p प्लस माइनस माइनस q और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, अब देखिए माइनस ये क्या है q,
और माइनस क्यू कट गया, प्लस भी माइनस भी कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया तो बराबर आया जीरो। तो इस तरह से पी धन क्यूआ पद बराबर आ गया जीरो सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए।